वेरी स्मॉल जी, क्या चीज है, कैसे वेरी करेगी, कौन कौन से फैक्टर्स स्मॉल जी की वेरिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यू ऑल माइट बी रिमेम्बरिंग दैट बेटा, लास्ट टाइम आपने कहा था जी जो है इट इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर का स्क्वायर, आपने यहां तक ये कर लिया था। अगर मैं अर्थ की शेप रफली बनाना चाहूं बेटा, अर्थ बेटे कुछ इस तरीके की शेप का होता है, ये थोड़ा सा फ्लैटेंड है बेटे एंड्स पे, और इन सिंपल वर्ड्स अगर बात करें अर्थ की रेडियस की, तो अर्थ का बेटे जो इक्वेटोरियल रेडियस है, ये सेंटर है, ये आपके अर्थ का इक्वेटोरियल रेडियस कहलाएगा, आर इक्वेटर कहलाएगा, और इधर आपका ये पोलर रेडियस कहलाएगा, आर पी से आप इसको डिनोट कर सकते हो, ओ बीइंग द सेंटर ऑफ द अर्थ बेटा। स्मॉल जी की शेप या साइज, शेप ऑफ अर्थ, इसके साथ कैसे वेरिएशन होती है, इसके बारे में पहले ब्रीफली बेटे बात कर लेते हैं। इमेजिन कर लीजिए कैपिटल एम जो है आपकी अर्थ का मास है, प्लेनेट का मास है, आर इक्वेटोरियल रेडियस है, आर पी पोलर रेडियस है अर्थ का, और आपको अपने माइंड में रखना होगा बेटा कि जो हमारा इक्वेटोरियल रेडियस है ये बेटा पोलर रेडियस से 21 किलोमीटर ज्यादा बड़ा है। 42 टोटल हो गया डायमीटर अगर ले लें, तो थोड़ा सा फ्लैटेंड रहता है, थोड़ा सा माइनर सा, लेकिन अगर हम अपनी कैलकुलेशन वर्क की बात करें, कैलकुलेशंस के लिए आप इसको बेटा अर्थ को नियरली स्फेरिकल बॉडी मान सकते हो। सो इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 कह दूं बेटा, और मैं जी की वैल्यू निकालूं पोल्स पे, नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, जी की वैल्यू अगर पोल पे वर्कआउट कर लें, इट विल बी जी एम अपॉन आर पोल, इसका स्क्वेयर आ जाएगा, आर की जगह पर मैंने पोलर रेडियस ले लिया, एंड लेट मी कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1। 1 ऑलरेडी है, इसको मैं 2 कह देता हूं। इसमें देखिए अगेन रेडियस को अगर मैं इक्वेटोरियल रेडियस ले लूं तो इक्वेटर पे वैल्यू आ जाएगी जी की, तो जी की वैल्यू इक्वेटर पे जो है ये जी एम अपॉन आर इक्वेटर का स्क्वायर हो गया बेटा। अगर मैं इक्वेटर पे वैल्यू निकालना चाहूंगा, इक्वेटर इज द ग्रेटेस्ट सर्कल पॉसिबल ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, है ना बेटे। इक्वेशन नंबर 2 को 3 से आप डिवाइड कर दीजिए, आपके पास सेकंड इक्वेशन है, आप इसको थर्ड से डिवाइड कर दीजिए, जी एट द पोल्स, जी एट द इक्वेटर, ये बन गया बच्चों जी एम अपॉन आर पोल का स्क्वेयर, आर इक्वेटर का स्क्वेयर अपॉन जी एम आ गया जी। ये जी एम आपका जो है कैंसल आउट हो जाएगा, और जी की वैल्यू जो पोल्स पे है और इक्वेटर पे है, इसकी रेशियो की बात करें अगर, इट इज आर इक्वेटर का स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर पोल का स्क्वेयर आ जाएगा बेटा। आपने अभी अभी कहा कि इक्वेटोरियल रेडियस पोलर रेडियस से बड़ा है, और बेटे थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा, अगर मैं ऐसे कर दूं इस रिलेशनशिप को, जी एट पोल्स जी एट इक्वेटर, ये बन गया आर इक्वेटर अपॉन आर पोल, इसका बेटे स्केयर, ऐसे भी तो लिखा जा सकता है ना, कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं, दोनों का स्केयर ही है। अब ये जो न्यूमिनेटर वाली टर्म है ये डिनोमिनेटर से बड़ी है, इसका मतलब है रेशियो जो है दैट विल बी मोर देन 1 बेटा। आप कोई भी नंबर ले लो मोर देन 1, उसका जब आप स्केयर करोगे तो वो और ज्यादा बड़ा हो जाएगा, याद रखिएगा बात। और अगर आपका कोई नंबर लेस देन 1 है उसका स्केयर करोगे वो और छोटा भी हो जाता है, फिर से ध्यान दीजिएगा।
अगर वन है मान लो, वन का स्केयर कर दोगे वन ही रह जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ा। 1.5 वन से हाफ ज्यादा हो गया, इसका स्केयर करोगे तो ये 2.25 हो जाता है। 1.5 का स्केयर 2.25 हो गया ना बेटा, बड़ा हो गया। अगर 1/5 का स्केयर कर लें, दैट विल बी 1/25, वो और ज्यादा छोटा हो जाएगा। तो डायरेक्टली बेटे यही बात है कि अगर कोई भी फ्रैक्शन, कोई भी नंबर, न्यूमेरिकल वैल्यू आपकी 1 से बड़ी है तो उसका स्केयर और बड़ा हो जाएगा, अगर छोटी है तो वो और ज्यादा छोटा हो जाएगा बेटा। अब ये आपका बड़ा है 1 से, ये 21 किलोमीटर, इससे बड़ा होने की वजह से ब्रैकेटेड क्वांटिटी 1 से बड़ी हो गई ना बेटा। इट विल मीन दैट कि जी की वैल्यू पोल पे एंड इक्वेटर पे इट इज मोर देन 1 आ गया जी, ऐसे लिखा जा सकता है ना बेटा फिर। सो अगर बेटे ऐसे लिखा जा सकता है तो आइए थोड़ी सी रीअरेंजमेंट कर लें टर्म्स में। वंस अगेन, जी पोल अपॉन जी इक्वेटर आपका 1 से बड़ा था, जी पोल को आपने ऐसे लिखा, ट्रांसफर कर दिया टर्म्स को आपने दूसरी साइड पे, और ये रिलेशनशिप आपको बता देता है कि जी की वैल्यू पोल्स पर इन कंपैरिजन टू द इक्वेटर ज्यादा है। आप लोग बड़े अच्छे से जानते हैं कि अगर जी को हम मास ऑफ द ऑब्जेक्ट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मास वैल्यू ऑफ जी एट द पोल्स, इट विल बी मास वैल्यू ऑफ जी एट द इक्वेटर आ जाएगा। एम इंटू जी आपको कहीं टर्म जानी पहचानी लगती है? वेट, वेरी नाइस। सो दैट विल गिव यू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट बेटा। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द पोल्स इट इज मोर देन द वेट ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट एट द इक्वेटर। सिंपल वर्ड्स में अगर आपके पास 1 किलोग्राम, ध्यान से सुनिएगा, 1 किलोग्राम शुगर है, 1 किलोग्राम गोल्ड है, काफी कॉस्टली पड़ेगा, और आप इक्वेटर पे हैं, किलोग्राम मास का यूनिट है, आप इसको यहाँ पे इसका वेट फाइंड आउट कर लीजिए 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट का जो भी आपके पास है, कुछ आएगी वैल्यू, और आप धीरे धीरे ऐसे करके इक्वेटर से पोल पे पहुंच गए, यहाँ पे आकर उसका वेट थोड़ा सा बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि जी की वैल्यू पोल्स पर इन कंपैरिजन टू द सेम एट द इक्वेटर थोड़ी सी ज्यादा है, तो आपकी ऑब्जेक्ट का जो वेट है पोल्स पर थोड़ा सा आपको ज्यादा उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू इंडिकेट हो जाएगी, राइट बेटे? सो दिस इज हाउ वी कैन से दैट कि हमारा जी जो है ये शेप ऑफ द अर्थ या साइज ऑफ द अर्थ के साथ वेरिएशन शो करता है। इसके बाद हमारे पास बात आ जाती है बेटे हाइट और डेप्थ के साथ जी कैसे वेरी करता है। ये आप छोटी क्लासेस में भी बहुत डिटेल में किया करते थे, एग्जैक्टली वही है, कोई डिफरेंट भी नहीं है। सो आइए देखें आगे, वेरिएशन ऑफ जी विद हाइट पहले कर लेते हैं, डेप्थ का फिर बाद में कर लेते हैं बेटा। वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी विद बेटा हाइट, विद हाइट कैसे वेरी करेगा, लेट अस बेटे कंसेंट्रेट अपॉन दिस। अगेन इमेजिन कर लीजिए कि ये आपका अपना प्लेनेट अर्थ है और अर्थ का मास जो है ये कैपिटल एम, और बच्चों अर्थ का जो रेडियस है लेट इट बी कैपिटल आर बेटे। हमने नियरली स्फेरिकल इसको मान लिया है अर्थ को, अपनी कैलकुलेशंस को आसान बनाने के लिए। इसके टॉप पे, अर्थ के सरफेस पे टॉप पे हमने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका मास स्मॉल एम के बराबर है। हम अपने आप को भी कंसिडर कर सकते हैं, हम अर्थ की सरफेस में ही तो हैं और अर्थ के साथ कांटेक्ट में भी हैं। अर्थ का मास हमारे मास से कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा बड़ा है ना बेटा? और अर्थ और ऑब्जेक्ट इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दैट इज जी एम एम अपॉन आर का स्क्वायर, बिकॉज दोनों के सेंटर्स के बीच में रेडियस ऑफ द अर्थ के बराबर का डिस्टेंस है।
ठीक हो गई बात बेटे। और ये ऑब्जेक्ट जो है ये अर्थ के सेंटर की तरफ इस फोर्स के साथ अट्रैक्टेड भी रहता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप एम जी को ये ऐसे करके कर सकते हो बेटा, ये आप ऑलरेडी राधर कर चुके हो, जी आपका जी एम अपॉन आर स्क्वायर के बराबर आपको मिल गया। सेकंड स्टेप में आपने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को यहां से लिफ्ट किया और आप लिफ्ट करते 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 आप इसको यहां पे ले आए हो, और ये हाइट आपके ऑब्जेक्ट की एच है अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ बेटे। अब जी की वैल्यू एट ए हाइट एच निकालना चाहते हैं, ये आपके पास बन गया डियर चिल्ड्रन जी एम अपॉन, अब देखिएगा दोनों ऑब्जेक्ट्स के सेंटर के बीच में डिस्टेंस आर प्लस एच हो गया, बड़ा हो गया ना डिस्टेंस बेटा, सो इट विल बी बेटे आर प्लस एच इसका सारे का स्केयर बेटा। और मैं इन इक्वेशंस का कोई नंबर वगैरह डाल सकता हूं, लेट इट बी टू एंड लेट इट बी वन बेटे। अब जो चीज हम निकालना चाहते हैं उसको हम ऑब्वियसली बेटे न्यूमिनेटर में रखते हैं, मैं इक्वेशन नंबर टू को पुत्र वन से डिवाइड कर देता हूं, आई विल गेट जी एट ए हाइट एच डिवाइडेड बाई जी ऑन द सर्फेस, इट इज जी एम अपॉन आर प्लस एच का स्केयर, इसको मैंने बच्चों उल्टा कर दिया, ये बन गया जी कुछ इस तरीके से ये आ गया, और जी की वैल्यू एट द हाइट एच एंड ऑन द सरफेस ये आर स्केयर अपॉन आर प्लस एच का सारे का स्केयर इसके बराबर आ गया। ये स्मॉल जी डिनोमिनेटर में जो बड़ा इसको उधर ले जाइए उठाकर आप दूसरी साइड पे ले जाइएगा, एंड लेट अस सी व्हाट हैपेंस, बट वी आर गेटिंग फर्दर, इसको इधर लेके जाने पे जी एट ए हाइट एच इट इज कैपिटल आर का स्केयर इन द डिनोमिनेटर आर प्लस एच का स्केयर, जी का स्केयर मैंने इधर शिफ्ट किया, सो दिस इज हाउ योर जी वेरीज विद द हाइट एच। एक बार ध्यान से नोट करिएगा, और डिनोमिनेटर बड़ा हो गया न्यूमिनेटर की कंपैरेटिवली, ठीक है जी, इसका मीनिंग ये हुआ कि जी एट ए हाइट एच जो है इट इज लेस देन द जी ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ बेटे। और डियर चिल्ड्रन ये फॉर्मूला आपका तब वैलिड रहेगा जब तक आपका हाइट एच जो है इट इज वेरी लार्ज, इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ बेटे। अगर आप कह दोगे कि हाइट जी रेडियस ऑफ द अर्थ की हाफ है, वन थर्ड है, वन फिफ्थ है, वन फोर्थ है, तब आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, अगर आपको नहीं जी 10 किलोमीटर तक ही जाना है तब नहीं लगेगा ये, तब हमें थोड़ी सी इसमें चेंज करनी पड़ेगी, आके देख अभी देखते हैं कैसे चेंज करते हैं, लेकिन उससे पहले इसको दोनों तरफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट से मल्टीप्लाई करके देखें कि क्या हमें मिलता है। तो एम जी एट ए हाइट एच इस रिलेशनशिप को मल्टीप्लाई कर रहा हूं मास से दोनों तरफ, अच्छा ये स्केयर नहीं रहेगा, इट विल बी सिंपल जी, ठीक है जी, ये आ गया आपके पास आर का स्केयर, आर प्लस एच का बच्चों सारे का स्केयर, ये अकेला जी था हमने एम से मल्टीप्लाई कर दिया बेटे, मास इनटू जी जब आप करोगे तो आपको ये वेट दे देगा, और आपके पास जो टर्म बनी है इट विल बी वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और आइए इसको थोड़ा सा देखें, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट एट ए हाइट एच ये आ गया, इट इज इक्वल टू आर का स्केयर इन द डिनोमिनेटर आर प्लस एच का स्केयर एंड इट इज वेट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो आप इसको भी अगर ध्यान से देखोगे बच्चों तो वेट एट ए हाइट एच जो है इट विल बी लेस देन द वेट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, लेकिन जरूर याद रखिए ये फॉर्मूला तभी वैलिड है अगर हाइट एच जो है इफ एच इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ रेडियस ऑफ द अर्थ। अगर एच कहीं आपका छोटा हो जाता है बहुत ज्यादा, तब फिर बेटे हम क्या कर पाएंगे, कैसे इसको चेंज करेंगे रिलेशनशिप को बेटा, आइए देखिए, इफ एच इज
इफ एच इज स्मॉल देन क्या होगा, इसको थोड़ा सा मैं अमेंड करने की कोशिश करूंगा. आइए देखें, जी एट ए हाइट एच और ये था आपका आर का स्क्वायर. बेटे सारे स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा, अगर मैं ऐसे लिख दूं तो बच्चों मुझे बताइएगा, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? उत्तर सारे बच्चे देख के बताओ. इसको मैंने डिनोमिनेटर को थोड़ा सा बदल दिया, ऐसे कर दिया. अगर आर को अंदर ले जाऊं तो वही बन जाता है ना, कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है? कि है, सेम ही चीज है ना, क्या कहते हो? स्केयर को कंप्लीट कर देते हैं, फिर इससे अगले स्टेप की तरफ चलते हैं. ये आ जाएगा जी जी एट ए हाइट एच आर का स्केयर, इन द डिनोमिनेटर अगेन आर का स्केयर, वन प्लस एच अपॉन आर का स्केयर. जी एस एच रह गया बेटा, देखो ऐसा ही है बेटे, ये कट जाएगा. दूर दूर बैठे हो, इसकी कोई जरूरत है? दूर दूर ही हो आप, थोड़ा सांस ले लिया करो. हाँ जी, आर स्केयर से आर स्केयर कट गया बेटे. हमने इसका और इसका प्रोडक्ट है ना दो चीजों का, तो इनका मैं स्केयर अलग कर ही सकता हूँ. टू इंटू फाइव है, टेन है, टेन का स्केयर कर लो या टू का स्केयर और फाइव का स्केयर करके फिर मल्टीप्लाई कर लो, बात तो एक ही है ना? ये बात आ गई. इसको थोड़ा रीएडजस्ट कर लीजिए. दिस इज जी एट ए हाइट एच, ये पावर डिनोमिनेटर में टू है और वन प्लस एच अपॉन आर की पावर यहां जाकर माइनस टू हो जाएगी. जी ऐसे ही रह गया. आपने बिगनिंग में बाइनोमियल थ्योरम थोड़ा सा नाम लिया था हमने, थोड़ा याद है कि भूल गए? बताइए मुझे, थोड़ा थोड़ा याद है तो बताइए फिर क्या करें, हम कैसे लगाएं बाइनोमियल थ्योरम? वेरी राइट, वेरी राइट. उसमें हम कहते थे कि अगर न्यूमिनेटर वाली टर्म यानी यहाँ पे एच जो है अगर आर के कंपैरेटिवली बड़ा छोटा हो, थोड़ा हो, तो ये पावर अलोंग विद द साइन यहां पे आकर मल्टीप्लाई हो जाता. सो हमारे पास बन गया जी एट ए हाइट एच, दिस इज वन माइनस टू एच अपॉन आर इनटू जी. ठीक है जी. सो ये आपका फॉर्मूला बना जब आप एच को बड़ा छोटा ले लेते हो इन कंपैरिजन टू द रेडियस ऑफ द अर्थ बेटे. अब इसको भी आप मास ऑफ द ऑब्जेक्ट से मल्टीप्लाई करके देख सकते हो दोनों तरफ. वी विल गेट एम इनटू जी एट ए हाइट एच, ये बन गया वन माइनस टू एच अपॉन आर एम इनटू जी कर दें. दिस इज वेट एट ए हाइट एच, वन माइनस टू एच अपॉन आर एंड वेट ऑन द सर्फिस. दिस इज ऑल वेट वेरीज विद इट. क्लियर बेटा? राइट. चले जी आगे. अब कोई यहां तक दिक्कत तो नहीं किसी भी बच्चे को? पता वैसे तो कुछ भी नहीं है, सिंपल बातें हैं. आपने ऑलरेडी करा भी हुआ है और इनकी एप्लीकेशंस भी आपने न्यूमेरिकल्स की फॉर्म में की होगी. अब इसके बाद बेटे मेरे पास आ जाता है डेप्थ के साथ कैसे वेरी करेगा जी. आइए देखेंगे, इसमें कोई बात नहीं पता चली तो पूछ लीजिए, फिर आगे चलेंगे. चले इसके बाद, ये इसके बाद हम पहुंच गए यहां पे. जी की वेरिएशन विथ डेप्थ बेटे स्टार्ट करते हैं देन. तो आइए देखें डेप्थ के साथ जी कैसे वेरी करता है. इस कंसेप्ट पे बेस्ड बेटे न्यूमेरिकल्स आपकी एनसीईआरटी की बुक में हैं दो तीन, वो जरूर करके देखना. उन्होंने लिखा हुआ है कि 98 न्यूटन किसी ऑब्जेक्ट का वेट है अर्थ की सरफेस पे.
आप उसको एट ए हाइट वन हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ लेके जा रहे हो तो उसका वेट कितना हो जाएगा, इससे पहले वाला फार्मूला लगेगा, वेट एट ए हाइट h इज इक्वल टू वेट ऑन द सर्फेस इंटू आर स्केयर अपॉन आर प्लस एच का स्केयर, ये वाला नहीं लगेगा, लगा के देखना फिर बाकी बात कल करते हैं बेटा। आइए आगे चले, वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ, बेटा डेप्थ के साथ जी कैसे वेरी करेगा और हम बेटे कैसे इसको स्टडी कर पाएंगे, लेट अस कंसंट्रेट। इमेजिन कर लीजिए वंस अगेन, ये आपका अपना प्लेनेट अर्थ, सेंटर ऑफ द अर्थ, ये रेडियस ऑफ द अर्थ, यहां पे आपने एक ऑब्जेक्ट रखा स्मॉल एम मास का, अर्थ का मास कैपिटल एम। लास्ट टाइम भी हमने बात की थी कि अर्थ को बेसिकली तीन लेयर्स में स्टडी करते हैं, क्रस्ट है, मेंटल है, कोर है। कोर को भी फर्दर दो पार्ट्स में सेंट्रल कोर एंड आउटर कोर कह देते हैं अकॉर्डिंग टू अवर कन्वीनियंस। बात यहाँ पे बेटे मैं ये करने वाला था कि अगर हम तीनों लेयर्स की डेंसिटीज की एवरेज ले लें तो हमारे पास जो रो है वी कैन से दैट इट इज द एवरेज डेंसिटी ऑफ द अर्थ। रो जो है इट इज द एवरेज डेंसिटी ऑफ द अर्थ। अगर आप तीनों लेयर्स की क्रस्ट की, मेंटल की और कोर की डेंसिटीज को लेकर उनका मीन ले लें तो इट विल गिव यू द एवरेज। अब थोड़ा सा और फोकस करिएगा, जी इट वाज बेटे जी एम अपॉन आर का स्केयर था, ये आप ऑलरेडी कर चुके हो। आप अर्थ को बेटे अपनी कैलकुलेशंस के लिए नियरली स्फेरिकल ऑब्जेक्ट मान लेते हैं और आप जानते हैं डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होती है, ये आपकी अर्थ की एवरेज डेंसिटी है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, तीनों आपने लेयर्स का मीन ले लिया डेंसिटीज का तो इट विल बी मास अपॉन 4/3, इट विल बी पाई आर क्यूब। बेटा इसको मैं लेफ्ट साइड पे ले जाता हूं, आई विल गेट मास टू बी इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब इनटू रो। दिस इज द मास ऑफ द अर्थ इन टर्म्स ऑफ द डेंसिटी। इक्वेशन नंबर 1 में मैं मास की ये वाली वैल्यू पुट कर देता हूं बेटा, आइए देखें, वी विल गेट जी इज इक्वल टू जी अपॉन आर का स्क्वायर, मास की जगह पे बन गया 4/3 पाई आर क्यूब इनटू रो आ गया जी। चेक करिएगा बेटे कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ये 2 पावर है यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, ये ऊपर पावर 3 है नीचे 2 है, एडजस्टमेंट कर लेंगे। वी विल से दैट जी इज इक्वल टू कैपिटल जी 4/3 पाई आर रो आ गया। थोड़ा सा रीएडजस्टमेंट कर लेते हैं टर्म्स का, 4/3 पाई जी आर रो, ये मेरे पास आ गया जी की वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, नॉट इन टर्म्स ऑफ मास बट इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी बेटा, ठीक है जी। अब हमने क्या किया, अर्थ की सरफेस में एक होल ड्रिल किया नीचे को, और होल ड्रिल करके आप ये मान लीजिए होल है और यहां पे आपने अपने बॉल को यहां पे ऑब्जेक्ट को एडजस्ट किया और इस होल का जो डेप्थ है ये मान लो डी के बराबर का है। आपने अर्थ की सरफेस पे एक पिट बनाया, होल किया, ड्रिल 2-5 किलोमीटर डेप्थ का कर लिया, उसने अपना ऑब्जेक्ट ड्रॉप कर दिया, इसका मतलब है कि डेप्थ आपकी डी हो गई। अब ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे पड़ा है ये बेटे इतने रेडियस वाली अर्थ की सरफेस पे है और ये रेडियस अब कितना बच गया, आर पहले था, डी बीच में से निकल गया, आर माइनस डी रह गया, ठीक है जी। सो आपके पास आ जाएगा जी की वैल्यू एट ए डेप्थ डी
इट इज 4/3 पाई जी आर माइनस डी इनटू रो, इसको मैं इक्वेशन नंबर बेटा 3 कह देता हूं। आप 3 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, 3 को आप 2 से डिवाइड कर दो, जी एट ए डेप्थ डी डिवाइडेड बाई जी 4/3 पाई जी आर माइनस डी इंटू रो 4/3 पाई जी आर इंटू रो बेटा 4/3 पाई जी सब कट गया, रो भी कट गया और आपके पास बचा जी एट ए डेप्थ डी जी ऑन द सरफेस आर माइनस डी अपॉन आर। ठीक है जी, इस न्यूमिनेटर की टर्म को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, इसको बेटे क्या मैं जरा देखिएगा ऐसे लिख सकता हूं, जरा चेक करिएगा। मैंने न्यूमिनेटर से आर कॉमन ले लिया, या ऐसे सोच लो इसको आर को अंदर कर दो ब्रैकेट के, आपको ये वापस मिल जाता है। चेक करिए जरा, इसको आर को अंदर ले जाइए ना वापस, तो आपको ये वापस मिल जाएगा। इट मींस कि वी आर करेक्ट, वी आर जस्टिफाइड। सो आपके पास डियर स्टूडेंट्स क्या बना रिलेशनशिप, ये देखें जी एट ए डेप्थ डी डिवाइडेड बाई जी ऑन द सरफेस, ये बन गया आर। देखो बेटे आर आपका कट गया, मैं इसको यही पे कैंसिल आउट कर देता हूँ, बाकी हमारे पास बच गया 1-D/R। इसको जी को इस तरफ शिफ्ट कर दीजिए, राइट साइड पे शिफ्ट कर दीजिए, व्हेन यू विल बी शिफ्टिंग इट टू द राइट हैंड साइड आपके पास आ गया जी एट ए डेप्थ डी जी ऑन द सरफेस 1-D/R। सो दिस इज हाउ योर स्मॉल जी इट वेरीज विद द डेप्थ बेटा। आप इसको मास से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, दोनों तरफ आपको वेट मिल जाएगा, एम जी एट ए डेप्थ डी एम जी ऑन द सरफेस 1-D/R एम इंटू जी आपको वेट दे देगा बेटा, और ये आपके पास बन गया वेट एट ए डेप्थ डी वेट ऑन द सरफेस 1-D/R। दिस इज ऑल योर वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट वेरीज विद द डेप्थ ऑफ द डेप्थ विद विच यू आर पिकिंग और ड्रॉपिंग इट टूवर्ड्स द रेडियस ऑफ, राइट बेटा। बेटे यहाँ पे कई बार आपको एग्जामिनर कह देते हैं कि नो डाउट अर्थ की सेंटर पे जी की वैल्यू जीरो होती है, हमें पता है, आपको भी पता है, कई बार हमें मैथमेटिकली उसको प्रूव करने की जरूरत पड़ जाती है, उसके लिए आप यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हो बेटे। आइए थोड़ा देखिए हाउ वी कैन ऑन द बेसिस ऑफ मैथमेटिकल इक्वेशन से दैट जी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज बेटा जीरो, और इन सिंपल वर्ड्स बेटा टू प्रूव दैट जी इज इक्वल टू जीरो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ बेटे। अच्छा बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आप अपने ऑब्जेक्ट को डी डेप्थ नीचे लेके जा रहे थे, अगर आप उसको सेंटर पे ले जाओगे तो डेप्थ कितना हो जाएगा, रेडियस के बराबर। सो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ आपका डेप्थ रेडियस के बराबर हो गया बेटा, आप सीधा इसमें पुट कर दो अपने आप ही आ जाएगा जी एट ए डेप्थ डी विच इज इक्वल टू द रेडियस इट इज जी ऑन द सरफेस 1-R/R, डेप्थ रेडियस के बराबर आ गया ना, तो ये 1 ही आ गया, तो जी एट ए डेप्थ डी इक्वल टू द रेडियस 1-1, तो ये तो आपको 0 दे देगा, तो यू कैन से दैट यू कैन रादर प्रूव दैट जी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज 0, और अगर आप कहीं मास से मल्टीप्लाई कर दोगे एम इंटू जी एट ए डेप्थ डी इक्वल टू द रेडियस इज इक्वल टू 0 एंड वेट एट द सेंटर ऑफ द अर्थ विल बिकम बिटेड 0। सो इन दिस वे बेटे आप है कुछ भी नहीं है, थोड़ा स्टेप्स की अमेंडमेंट है और इसमें कोई ज्यादा हार्ड एंड फास्ट मुश्किल वाली कोई बात नहीं है बेटा, राइट बेटा। एक छोटा सा क्वेश्चन करके देख लीजिएगा,
लिख लीजिएगा बेटे, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज 98 न्यूटन. वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज 98 न्यूटन. कैलकुलेट इट्स वेट एट ए हाइट एच इक्वल टू 1/2 ऑफ द रेडियस. इसको देख लीजिएगा करके बेटा, बाकी फिर बेटे कल करते हैं. थैंक यू ऑल बेटा.